हम पहुंचे हैं आज बास बदनपुराम मोहल्ला डाकोटा, जहां आपको बता दें कि काफी साल पुराने मंदिर यहां पर स्थापित हैं। अगर मंदिरों की बात की जाए तो आपको बता दें कि यहां पर काफी साल पुराना एक सभी मंदिर स्थापित है, जहां पे जिस मंदिर को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस मंदिर के साथ में तोड़फोड़ की गई। मैं आपको बताऊँ कैमरामैन को एक बार मैं निरीक्षण करना चाहूंगा कि एक बार मंदिर की ओर रुख करें। अब आपको इस मंदिर की दुर्दशा बताते हैं तो आपको बताएं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति अपनी आवाज को उठाता है। अभी कुछ समय पहले हाथरस धाम के दक्षिणमुखी बालाजी धाम के स्वामी महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज भी यहाँ पधारे थे, जिनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण भी किया गया। परकोट के अंदर स्थित यह शनि मंदिर काफी पुराना मंदिर है और इस मंदिर की अगर दुर्दशा की बात की जाए तो आपको बता दें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी साल पुराना ये शनि मंदिर है, जिस मंदिर को कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। आपको पूरी चीज हम आप दिखाने जा रहे हैं कि पत्थर की बात जो आप देख रहे हैं इस मंदिर की, मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि एक बार फोकस करें इन मंदिरों की जो दशा देख रहे हैं। यहाँ पे जो है शनि मंदिर की ये मूर्ति है, शनि महाराज जिसे कलयुग का देवता भी कहा जाता है, जिसके नाम से और जिसके प्रकोप से बड़े व्यक्ति भी घबराते हैं। उस मंदिर की मूर्ति उनके सिर को तोड़ दिया गया और कुछ लोगों के द्वारा उनके सिर के साथ में उनके हाथ पैर को भी जो है तोड़ दिया गया। इस मंदिर को और जो है पूरा खंडित कर दिया गया, इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया। उसके बाद में जब बाल मुकुंदाचार्य जी द्वारा आवाज उठाई गई तो आवाज उसकी टीम यहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद में हमने भी देखा कि यहाँ कुछ समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस मंदिर की दुर्दशा कर दी गई। अब बात अगर कहें प्रशासन की, बात करें शासन की या बात करें किसी प्रकार की, तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी यहाँ के मंत्री हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं। कई बार विधायकों का यहाँ दौर आता है, कई बार मंत्रियों का भी यहाँ दौर आता है, मंत्री लगातार यहाँ पे दौरे पे भी आते हैं, विधायक यहाँ दौरे पे आते हैं, यहाँ पे विकास के मुद्दों के भी बात करते हैं। लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति केवल वोटिंग बैंक पे ही आधारित हो गई, केवल वोटों की राजनीति यहाँ चलने लग गई है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, केवल राजनीति की वो बात करेगा, वोट बैंक की वो बात करेगा, अपने वोट बैंक को संवारने के लिए, अपनी राजनीति को पकाने के लिए, राजनीति की रोटी पकाने के लिए वो लोग यहाँ आकर वादे कर जाते हैं, इरादे कर जाते हैं, वादों के साथ में वो कई प्रकार के पिटारे भी खोल जाते हैं। लेकिन आपको बताएं कि अगर धर्म की अगर बात की जाए, समुदाय की भी बात की जाए, तो वो लोग इन चीज़ों पर आकर ध्यान नहीं देते हैं। इस मंदिर की दुर्दशा और इस मंदिर की कहानी आपको बता दें किस प्रकार